हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के ट्यूटोरियल में मैं बताने वाली हूँ कि नेल आर्ट ब्रशेस से प्रैक्टिस कैसे करें, एज रिक्वेस्टेड बाय आशिका। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये है वो 15 पीसेस ब्रश सेट जो आज मैं ट्यूटोरियल में यूज़ करने वाली हूँ। तो चलिए इसी के साथ ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी दो बहुत ही आसान से तरीके जिससे आप नेल आर्ट प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं। पहला तरीका है नेल आर्ट सिलिकॉन मैट। सो ये है नेल आर्ट सिलिकॉन मैट। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस मैट पे काफ़ी सारे नेल शेप्स प्रिंटेड है, जैसे कि नेल आर्ट प्रैक्टिस करना काफ़ी आसान हो जाता है। इस पे आप डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट नेल आर्ट डिज़ाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं, और वो भी रेपिटेटिवली। और इसे क्लीन करना बहुत आसान है, तो आप मल्टीपल टाइम इसे यूज़ करें और आसानी से क्लीन भी कर लें। दूसरा तरीका है सिंगल लाइन नोटबुक। मैंने सिंगल लाइन नोटबुक इसलिए कहा है क्योंकि घर में इजीली अवेलेबल होती है और बेस्ट ऑप्शन है बिगिनर्स के नेल आर्ट प्रैक्टिस के लिए। हम स्टार्ट करेंगे सिंगल लाइन नोटबुक से। ये है कुछ नेल पेंस जो मैं यूज़ करूँगी। पहले मैं डिटेलिंग और लाइनर ब्रशेस से प्रैक्टिस करके दिखाऊंगी आपको। सबसे पहले मैं ले रही हूँ स्मॉलेस्ट डिटेलिंग ब्रश। ये है तो डिटेलिंग ब्रश, बट आप इसे फाइन लाइंस, थिक लाइंस प्लस पेंटिंग और डिफरेंट नेल आर्ट डिजाइंस कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिस और पेशेंस चाहिए होगा। एज ए बिगिनर स्टार्टिंग में आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बट रुकिएगा नहीं, कीप प्रैक्टिसिंग। सो फर्स्टली मैं आपको कुछ लाइंस ड्रॉ करके दिखा रही हूँ डिटेलिंग ब्रश और ब्लैक नेल पॉलिश के साथ। आप लोग भी इसी तरह लाइंस और डिफरेंट नेल आर्ट डिजाइंस प्रैक्टिस कर सकते हैं डायरेक्टली नेचुरल नेल्स पे करने से पहले। ऐसे प्रैक्टिस करने से आपका टाइम सेव होता है, क्योंकि आप बार बार अपने नेचुरल नेल्स पे प्रैक्टिस तो कर नहीं सकते। अगर आप नेचुरल नेल्स पे बार बार प्रैक्टिस करोगे और उसे रिमूव करोगे तो इससे नेल्स डैमेज और ड्राई हो जाएंगे। ये देखिए, डिटेलिंग ब्रश से मैंने सेकंड लाइन ड्रॉ की है, बट ये लाइन थिक है पहली वाले से। अब ब्रश का कंट्रोल आपके हाथ में होता है, तो आप उसे जैसे ड्रॉ करना है ये आपके ऊपर है, बट आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। ये भी डिटेलिंग ब्रश है, बट ये पॉइंटेड नहीं है। ये ब्रश से मैं कुछ जिगजैग लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखिए, जिगजैग लाइन कितनी परफेक्ट आई है। मैंने इसलिए ये सिंगल लाइन नोटबुक रेकमेंड की है कि इस लाइंस के जरिए से आप परफेक्ट कर सकते हैं लाइंस के स्ट्रेट ड्रॉ करने के लिए। इससे बहुत हेल्प होगी आपको। आप चाहे कोई भी ब्रशेस यूज़ करें, ब्रशेस मैटर नहीं करते, बस आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ये है थ्री डिफरेंट लाइनर ब्रशेस। इन ब्रशेस से हम डिफरेंट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं डिफरेंट लेंथ की। एक बार आप ब्रश कंट्रोल सीख जाएं, तो आप एक ही ब्रश से थिक और थिन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वो भी बिना किसी डिफिकल्टीज के। यहाँ पर मैंने लाइंस ही ड्रॉ किया इन ब्रशेस के साथ, क्योंकि आशिका को वो इन लाइंस में ही प्रॉब्लम हो रही थी इन ब्रशेस के साथ। एक डेमो दिया है इसे ब्रशेस को कैसे इस्तेमाल करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी टेक्निक ट्राई करना चाहते हैं, किस तरीके से ट्राई करना चाहते हैं। इन ब्रशेस के साथ तो बहुत कुछ किया जाता है, बस इसे आपको डिस्कवर करना है। एज ए बिगिनर आप कुछ भी रातों रात नहीं सीख सकते, इसके लिए आपको टाइम और प्रैक्टिस चाहिए होगा। जब मैंने एज ए बिगिनर स्टार्ट किया था, मुझे भी काफ़ी टाइम लगा था इन ब्रशेस के साथ करने के लिए, काफ़ी कुछ सीखने के लिए। इसे टाइम प्रैक्टिस दीजिए वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। इन ब्रशेस को आप क्यूटिकल क्लीनिंग या नेल पॉलिश अप्लाई करने के लिए, या फिर ओएम्बो या ग्रेडिएंट टेक्निक के लिए यूज़ कर सकते हैं। ब्रश से आपको एक ओएम्बो नेल आर्ट डिज़ाइन दिखाती हूँ। इसलिए आपको दो डिफरेंट कलर्स लेने होंगे और ये स्क्वायर ब्रश। अब आपको स्क्वायर ब्रश को हाफ हाफ साइड में दोनों कलर्स में डिप करना है, और एक साइड से ऐसे ड्रॉ करके आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने दिखाया वैसे ट्राई करिए और अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कीजिए। सो ये थे कुछ डिज़ाइन और कुछ ब्रशेस जो हमने प्रैक्टिस किए नोटबुक पे। तो चलते हैं हमारे सेकंड पे।
सिलिकॉन मैट पे। ये है सिलिकॉन मैट, जैसे कि आप देख रहे हैं इस पे सारे नेल शेप पहले से प्रिंटेड है। इस पे बस आपको नेल पॉलिश अप्लाई करना है, उसे ड्राई होने देना है। जैसे ही ड्राई हो जाएगी इस पे आप डिफरेंट नेल आर्ट डिजाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इस पे काफ़ी तरह के अलग अलग टेक्निक्स भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने तीनों नेल्स पे डिफरेंट कलर्स अप्लाई कर रही हूँ, तो और इसे छोड़ देंगे ड्राई होने के लिए। जैसे ही ड्राई होंगे इस पे हम कुछ नेल आर्ट डिजाइन प्रैक्टिस करेंगे। इस मैट पे आपको ये एडवांटेज भी मिलती है क्योंकि इस पे डिफरेंट नेल शेप्स हैं, तो आप डिफरेंट नेल डिजाइन नेल शेप्स के हिसाब से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हमारी पॉलिश हो चुकी है ड्राई, सिलिकॉन मैट है तो पॉलिश काफ़ी जल्दी ड्राई हो जाती है। मैं यूज़ कर रही हूँ ये लाइनर स्ट्राइपिंग ब्रश, इससे मैं कुछ स्ट्राइपिंग लाइन्स ड्रॉ कर रही हूँ जिगज़ैग पैटर्न में। इससे ब्यूटीफुल नेला डिज़ाइन क्रिएट होगा। इस मैट पर पहले से नेल शेप्स प्रिंटेड है, तो आप नेचुरल नेल्स जैसे ही इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इस पर आप नेल पॉलिश परफेक्टली अप्लाई करना भी सीख सकते हैं अच्छी तरह। बहुत ईजी टू क्लीन है, इजीली पील ऑफ हो जाता है, वॉशेबल है, तो आप फटाफट क्लीन भी हो सकते हैं। हमारा डिज़ाइन हो गया है रेडी। बेसिक सा था, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, जैसे बिगिनर मैंने डिज़ाइन दिखाया था। ब्रश से आप डिफरेंट नेल आर्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि नेगेटिव स्पेस, एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन और नेल पॉलिश भी अप्लाई कर सकते हैं। ये है फैन ब्रश, इस ब्रश को यूज़ करके डिफरेंट नेल आर्ट डिज़ाइन क्रिएट किए जा सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। फैन ब्रश से हम डिफरेंट नेल आर्ट डिजाइन कर सकते हैं, जैसे कि मल्टीपल कलर स्ट्रोकिंग, जैसे कि मैं भी कर रही हूँ, स्प्लैश और स्प्लैटर नेल आर्ट डिजाइन भी कर सकते हैं। ये तो एक बेसिक सा डिज़ाइन था। फैन ब्रश से आप ग्रीटिन कलर सोनम्बर नेल आर्ट डिजाइन भी कर सकते हैं, और हम फैन ब्रश से नेल्स पर रिबन भी स्टिक कर सकते हैं। ये नेल डिज़ाइन ड्राई होने के बाद आप इसे पील ऑफ भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। आज का ये ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा है मुझे बताइएगा ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।